भाई अमृत लाल के साथ में गया उदयराज के मामा कान जी। आए लेख राम बिसनोई ने कहा पूरा वेद से तान जी। अब सुनो कहानी बेली रोज के बाढ़ चढ़ाई और भयहानी। कहानी बेली रोड के बाढ़ चढ़ाई और भयहानी। दशा यहाँ के दर्दनाक भोजन नहीं है मुख कुमलानी। सुनो कहानी बेली रोड के यहाँ पे बस्ती 4000 मेहनत करते हिंदुस्तानी। नाम बरा राय और हबीला दुरमोली सुन के जानी। मिर्चा बैगन भिंडी तमाखू बोरा धान रही लहरानी। के हर एक प्राणी के देख दशा दिल भय चलनी। बाढ़ चढ़ा घर घर के ऊपर मसे लगे जैसे मथनी। सभी कमाई अपना खोए 40 मील फैला पानी। भयंकर रूप नदी ने अपना चादर जब तानी। फटाक रे जा सुन के मेरा क्योंकि मैं हिंदुस्तानी। सुनो कहानी बेली रोड के, सुनो कहानी बेली रोड के बाढ़ चढ़ाई और भयहानी। यहाँ के दर्दनाक भोजन नहीं है मुख कुमलानी। सुनो कहानी बेली रोड के, दुरमोली का किया सफर जब सुधड़ा उनके हम जानी। 11 बजे अचानक आया चारों तरफ जकड़ा पानी। मरते मरते सभी भजे भगवान ने दी है जिंदगानी। सुनो कहानी बेली रोड के, सुनो कहानी बेली रोड के पार चढ़ाई और भयहानी। मरते मरते सभी भजे भगवान ने दी दी जिंदगानी। सुनो कहानी गाय भी साथ चले और ट्रकता बह गए उपरानी। धन हमारे भाई बंद जो हिम्मत तुम दिल में धानी।
किरण की ना वही नाम के किया भजन के मैं रचना अभय दान दय देव भम भोला रहूं नुमारा निस्तरना। कहे दत्त त्रिलोकीनाथ से सदा रहो मेरे दहिना प्रगटे रामचंद्र देवताओं के मन खुशी भई। अवध में प्रगटे रामचंद्र देवताओं के मन खुशी भई। लंकपति रावण के द्वारा धरनी दुखी भई। भूखार नाश करने को तब कौशल में रमो उत्पत्ति हुई। वही दिन के सौभाग्य वरना यो घर घर मंगल चार हुई। उस समय उपद्रव देख देख के ऋषियों के मन सोच भरी। ऋषि मुनि अपने मन सोचे रामचंद्र अवतार नहीं। अभिलाषा कर कर श्री कौशलपुर को प्रस्थान किए। उन जाकर राजसभा में निजासा उद्घाटन आन किए। दोनों भाई को देव हमें और यज्ञ सफल मेरा होई। I'm
कहे दत्त निश्चर को मारे राम लखन दोनों भाई अवध में प्रगटे रामचंद्र। हाय हाय अवध में प्रगटे रामचंद्र देवताओं के मन खुशी भाई। देवताओं के मन खुशी भाई देवताओं के मन खुशी भाई परिपूर्ण जब मख का हुआ हरिधार आए मिथिलापुर के तब मुनिवर कियो है पायान जी। विस्मय हुआ है रामचंद्र को विश्वामित्र समझाते हैं। विस्मय हुआ है रामचंद्र को विश्वामित्र समझाते हैं। गौतम ऋषि और नारी अहिल्या का वर्णन हम करते हैं। आश्रम श्री रामचंद्र को दिखलाया है पूर्व तपस्या का थलिया मन जाने अचंभा साया। आश्रम है यहाँ न जीव जंतु ना कोई मुनि दिखलाते हैं। किसमें हुआ जब रामचंद्र को किसमें हुआ है समझाते हैं। गौतम ऋषि और नारी अहिल्या का वर्णन हम करते हैं। विस्मय हुआ जब रामचंद्र को राघव के भेद भरे प्यारे वचनों को सुन हर्षाने लगे। तेजस्वी विश्वामित्र मुनि गौतम के कथा सुनाने लगे। ये रामचंद्र स्थान सुखद ऋषि योगी जन का मंदिर है। इसमें हुआ जब रामचंद्र को इसमें हुआ है रामचंद्र को गौतम मुनि समझाते। समसी और नारी अहिल्या का वर्णन हम करते हैं। इसमें हुआ जब रामचंद्र को सुता बनायो अजय अमल से एक समय के बात सुनो। दियो यमानत है गौतम को धरे अहिल्या नाम सुनो। ये सुंदरता पर सुरेश और मन ही मन ललचाते हैं। विस्मय हुआ जब रामचंद्र को विस्मय हुआ जब रामचंद्र को विश्वामित्र समझाते हैं। गौतम ऋषि और नारी अहिल्या का वर्णन हम करते हैं। विस्मय हुआ जब धरोहर को बीता ब्रह्मा जी एक दिन तब आए। गौतम से मांगी कन्या तो वैसे ही उसी भांति पाए। चकित भय है गौतम ऊपर दिल
का मित्र समझाते हैं। गौतम ऋषि और नारी अहिल्या का वर्णन हम करते हैं। विस्मय हुआ जब रामचंद्र को, उन उस कन्या को चतुरानन गौतम ऋषि को दे देते हैं और धन्य धन्य कह बार बार मुनिवर से विदा मांगते हैं। कहे जत्ती अभी आगे विषय को अगले भजन में सुनते हैं। इसमें हुआ जब रामचंद्र को, इसमें हुआ जब रामचंद्र को विश्वामित्र समझाते हैं। गौतम ऋषि और नारी अहिल्या का वर्णन हम करते हैं। इसमें हुआ जब रामचंद्र को, सुखद परम आराम मय आश्रम आज कैलाय। काम विवश हो राजा इंद्र ने गौतम ऋषि ग्रह पगधारी। काम विवश हो राजा इंद्र ने गौतम ऋषि ग्रह पगधारी। काम विवश हो राजा इंद्र ने गौतम ऋषि रामचंद्र सुरपति अपनी इच्छा पूरन को ताक रहा। नित करता था नूतन विधान मन में चिंता रत जाग रहा। गौतम का भेष बनाए इंद्र ने करी चलन की तैयारी। गौतम का भेष चलन की तैयारी। काम दिवस हो राजा इंद्र ने गौतम ऋषि ग्रह पगधारी। आकर बोला ऋषि पत्नी से सौभाग्य सुंदरी प्रिय सुनो, मैं रति चाहक को आया हूँ यह समय योग सब भांति गुनो। मम इच्छा पूरन शीघ्र करो मन डरा नहीं वा व्यभिचारी। मम इच्छा करो मन डरा नहीं वा व्यभिचारी। आए
सती भेष में इंद्र को जाने जान बूझ नहीं शर्माती, अधम अहिल्या रहे सतवंती करती है रमन नहीं सगुचाती। हरे साथी है अब शर्म नहीं मुस्काती है वाया धम नारी, हरे साथी है शर्म नहीं मुस्काती है वाया धम नारी। आए काम विवश होए देवराज, तुम अपने कोई और मुझे श्राप से मुक्त करो, गौतम कृत पावे जान नहीं वह देव कार्य करो। कहे दैत्य बची है नहीं कोई श्राप नाश तुम्हें कर डाली, नहीं कोई श्राप नाश तुम्हें कर डारी। आए काम विवश होए राजा इंद्र ने गौतम ऋषि आए देवलोक को की तैयारी राजा इंद्र
बस उसी समय पर गौतम ऋषि आश्रम को अपने आते हैं। चकित भय है राजा इंद्र ने गौतम ऋषि पर नजर पड़ी। चकित भय है राजा इंद्र ने गौतम ऋषि पर नजर पड़ी। आ देवलोक को कीने तैयारी राजा इंद्र मन तीर्थवारे स्नान किए समझा कुछ हाथ दिखाते हैं। या दशा देख कर इंद्र डरे और पीले बदन दिखाते हैं। क्रोधित होए मुनि वर तब बोले कवन कुमत अवतार धरी। क्रोधित होए मुनि वर तब बोले कौन कुमत अवतार धरी। आय देवलोक को तीन तैयारी राजा इंद्र मन सोच भरी। गुरमते कौन तू है बतला अन्यथा बुरा फल पाएगा। अपने करने का स्वाद अभी चखेगा और दुख पाएगा। बतला बतला क्यों चुपे साधे क्या किया कौन है कुविचारी। बतला बतला क्यों चुपे साधे क्यों कौन जब तुम व्यभिचारी। आय देवलोक को तीन तैयारी राजा इंद्र मन। क्षमा करो मुनिराज हमारा मुनि भेष मैं इंद्र किया। भेष बनाया है जो मेरा कुटी हमारा नाश किया। कहे दत्त को भित भय गौतम आगे भजन में क्या गुजरी। कहे दत्त को भित भय गौतम आगे भजन में क्या गुजरी। आय देवलोक को कीना तैयारी राजा इंद्र मन। वचन सुने ऋषि जले क्रोधित सूखे गात जी। आए श्राप दीन थे छड़े महा नष्ट भ्रष्ट होए गात जी। श्राप दिए हैं गौतम ऋषि ने थर थर दहिया कांप रही। श्राप दिए हैं गौतम ऋषि ने थर थर दहिया कांप रही। थर थर दहिया कांप रही है थर थर दहिया कांप रही। श्राप दिए हैं गौतम ऋषि।
योगी से नहीं डराया है। लिए श्राप सिर पर तुम जाओ अब मौत से नहीं जाए सही, श्राप दिए है गौतम ऋषि ने, श्राप दिए है गौतम ऋषि ने, थर थर दहिया काप रही। थर दहिया काप रही है, थर थर दहिया काप रही, काप दिए है गौतम ऋषि ने। जिस समय नपुंसक मुनि बोले सुरपति मन में है डराए गए, और अंड कोष धरनी पे गिरा छबहीन हुए घबराए गए। पहुंच गया सुरलोक में जाके देवताओं के चरण गही, श्राप दिए है गौतम ऋषि ने, श्राप दिए है गौतम ऋषि ने, धर धर दहिया काप रही। धर धर दहिया काप रही, श्राप दिए है गौतम ऋषि ने। महर्षि गौतम को मैंने क्रोधित कर सब काज किया, तप में करके मैं विघ्न आज देवताओं के सब काज किया। नहीं तो देव स्थान को लेते हमको ठौर कहीं न रही, श्राप दिए है गौतम ऋषि ने, जब श्राप दिए है गौतम ऋषि ने, थर थर दहिया काप रही। थर थर दहिया काप रही है, थर थर दहिया काप रही, श्राप दिए है गौतम ऋषि। मैंने कर दिया विघ्न और काज तुम्हारा कर डारा, लिया श्राप अपने सिर ऊपर मुनि ने क्रोधित दे डाला। कहे दत्त सुरपति घबराने उनके ज्ञान स्थिर न रही, श्राप दिए है गौतम ऋषि ने, जब श्राप दिए है गौतम ऋषि ने, थर थर दहिया काप रही। हाँ गौतम ऋषि ने थर थर दहिया काप रही। थर थर दहिया काप रही है, थर थर दहिया काप रही, श्राप दिए है गौतम ऋषि ने। जब सभी सकल दुख दूर हुआ है देवताओं ने मिल काज करी, सभी सकल दुख दूर हुआ देवताओं ने मिल काज करी, देवताओं ने मिल काज करी, सभी सकल दुख दूर हुआ। सुनकर पावक के वचन तुरंत पितरों के देव हर्ष आए,
चरण मेढ़ा उखाड़ सुरपत के सन्मुख ले आए। नजर पड़ी है राजा इंद्र के मन ही मन आनंद भरी। सुरपति को लगा तब देव मगन हंसाते हैं, अपने अभिमत को पा करके हंसते हैं और हंसाते हैं। सब देवता मिल किया निरावन उनके मन के सोच हरी। सभी सकल दुख दूर हुआ, सभी सकल दुख दूर हुआ, देवताओं ने कौशिक बोले ये रामचंद्र उस काल वहां या नियम हुआ, हो अंड कोश से रहित में तब भक्षण को या नियम हुआ। तब से पाते हैं पृथ्वीदेव भृषण मेढ़ा को पान करी। सभी सकल दुख दूर हुआ, जब सभी सकल दुख दूर हुआ, संकट दूर हुआ। सब देव मगन हर्षाते हैं, सुरपुर में जय जयकार हुआ। कहे दत्तु मड़ी खुशियाली भजन को मैंने छाप धरी। सभी सकल दुख दूर हुआ, जब सभी सकल दुख दूर हुआ, देवताओं ने मिल काज करी। मुख से
प्राप्त सुने तब नारी अहिल्या बयन कही। पति के मुख से श्राप सुने तब नारी अहिल्या बयन कही। नारी अहिल्या बयन कही पति के मुख से श्राप सुने। हे पति देव कृपा की जय अरदासी जान दया करना। धोखे में मैं चीन सकी ना अपना जान क्षमा करना। किया रमन सुरपत के संग में रूप तुम्हारा निरख रही। पति के मुख से श्राप सुने जब पति के मुख से श्राप सुने है नारी अहिल्या बयन कही। नारी अहिल्या बयन कही पति के मुख से श्राप सुने। दिया श्राप जो मुनिवर तुमने श्राप से मुझे मुक्त करना। अधम नीच मजमंद हूँ नारी नैन सनीर वही धरना। कहे ऋषि पत्थर तू हो जाए अब काहे घबराए रही। पति के मुख से श्राप सुने पति के मुख से श्राप सुने तब नारी अहिल्या बयन कही। नारी अहिल्या बयन कही पति के मुख से श्राप सुने। अनुसही श्री रामचंद्र कौशिक मुनि जब करी है रमना। उद्धार तेरा हो जाएगा पुनः रूप यही तुम फिर धरना। उत्तर नई दीनी नारी अहिल्या मन ही मन में सोच रही। पति के मुख से श्राप सुने हाय हाय पति के मुख से श्राप सुने तब नारी अहिल्या बैर कही। नारी अहिल्या बयन कही है नारी अहिल्या बयन कही पति के मुख से श्राप सुने। वचन सुनत ही शिला बनी है धरती गोद मेली सरना। कथा लिखी है वाल्मीकि ने पाप कर्म से तू बचना। कहे दत्त धरती के ऊपर शिला रूप में जोत रही। पति के मुख से श्राप सुने जब पति के मुख से श्राप सुने तब नारी अहिल्या बयन कही। पति के मुख से श्राप सुने तब नारी अहिल्या बयन कही। नारी अहिल्या बयन कही है नारी अहिल्या बयन कही पति के मुख से श्राप सुने। पदरज से तरना शिला रूप हो रहो यहाँ पर राम के पदरज से तरना। राम के पदरज
वस्तुतः 100 वर्षों रहना होगा, इस प्रकार से रहो यहाँ फिर निराहार रहना होगा। वायु का भक्षण करना है धरती पर तुमको है रहना, पाप से मुक्ति पाएगी, संसार तेरा गुण गाएंगे। अपने कर्मी के फल पाके मेरे आश्रम में पर धरना, गौतम आश्रम त्यागन कर देते हैं, हिमगिर पर जाकर निश्चिंत हो ईश्वर के भक्ति करते हैं। विश्वामित्र कह रामचंद्र आश्रम में छुआ दो पद चरना, शिला रूप हो रहो यहाँ, अब शिला रूप हो रहो यहाँ पर राम के पद रस्ते तरना। राम के पद रस्ते तरना तुम, राम के पद रस्ते तरना, शिला रूप हो रहो यहाँ। पदरज लगते ही निज रूप यही लिया पाती है, पत्थर द्वारा होकर नारी रघुबर के गिनती गाती है। कहे दत्त कर जोड़े यही लिया पाप से मोह मुक्त करना, शिला रूप हो रहो यहाँ पर, अब शिला रूप हो रहो यहाँ पर राम के पदरज से तरना। राम के पदरस से तरना तुम, राम के पदरस से तरना, शिला रूप हो रहो यहाँ पर। मेरे नैनों में भरी आए पानी, सुन कर आंधी की कहानी। जंगल दास के नैनों में भर आए पानी, फीजी के भजनियों का दिल धड़का, आंधी की ना अपील फन चलिए, रोसेना की ओर से बन गई फीजी के लिए अमर कहानी। किसी भी दुकान से खरीदिए फीजी के 9 भजनियों की रचनाएं। मेरे नैनों में भर आए पानी, आंधी की ना अपील के लिए रोसेना पेशकश। रोसेना पेशकश राम भीम बिंदु। सतगुरु अजब लगाए फुलवरिया, राम भीम बिंदु का नया भजन कैसेट रिलीज प्रोसेना लेबल पर, किसी भी दुकान से लेकर आइए। सतगुरु अजब लगाए फुलवरिया, राम भीम बिंदु नया भजन कैसेट रिलीज, किसी भी दुकान से लेकर आइए। प्रोसेना पेशकश सुपरस्टार राम भीम बिंदु। जीवन नाम सवेरा अजेश राम जस
और आपके लिए सुरस्वती रामायण भजन भागमंडली के संगीत पर वाइंदो बनाफुआ के अजेश रामजेश की आवाज, प्रोसेरा का नया भजन कैसेट किसी भी दुकान से लेकर आइए। अजेश रामजेश भजो मन जीवन नाम सवेरा, प्रोसेरा रिलीज। अजेश रामजेश भजनों का गुलदस्ता, भजो मन जीवन नाम सवेरा, प्रोसेरा रिलीज।